अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप देख रहे हैं एच एन चैनल इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जो ट्रस्ट वॉलेट और मीटामाच से इजी टू यूज़ है ठीक है इसके अंदर आप इजीली अपने किसी भी नेटवर्क का क्वाइन और बी एस सी स्मार्ट चेन टॉन नेटवर्क का थीरियम या पल्का डॉट नेटवर्क का इजीली आप विड्रॉल एंड डिपोज़िट कर सकते हैं आप बहुत से लोगों की मुझे टेलीग्राम पे भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें कोई ऐसी चीज ऐप बता दें जिसमें हम इजीली अपने फ़ंड डिपोज़िट एंड विड्रॉल कर सकें ठीक है और उसमें पेन के जो स्वैप यूनिस्वैप भी इजी यूज़ कर सकते हैं ठीक है इजीली यूज़ कर सकें तो ट्रस्ट वॉल्ड में लोग क्या कर रहे थे गलत नेटवर्क पर अपने कॉइन डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर रहे थे ठीक है क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट का जो इंटरफेस था वो इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं था जितना इस ऐप जिस ऐप का मैं आपको बताऊंगा उसका यूजर फ्रेंडली है चलिए हम बिना देर के हुए हम ऐप की तरफ चलते हैं सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लेते हैं कोई भी हमारी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो ऐप का नाम है टोकन पॉकेट ठीक है टोकन पॉकेट आपने इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है ठीक है इजीली आपको ये मिल जाएगी आप इसका लोगो वगैरह देख लें इसके स्पेलिंग देख लें आपने यही ऐप आप डाउनलोड करनी है ठीक है जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब मल्टीपल चेन वॉलेट योर एसिड योर कंट्रोल ठीक है डिसेंट्रलाइज वॉलेट है ठीक है अगर आपके पास पहले से कोई वॉलेट पड़ा हुआ है तो आप इसमें आई हैव अकाउंट पे क्लिक करें ठीक है जैसे ही आप आई अ अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो देखें आपके सामने खुल जाएंगे बिटकॉइन का थीरियम का ट्रॉन का एच ई सी ओ चेन का ओबी नेटवर्क का बायना स्मार्ट चेन पलका डॉट ओके एक्सचेंज ठीक है तो ये आप इसके जो अपने पहले कहीं बनाए हुए हैं वॉलेट तो वहाँ यहाँ पे आप इस पर अपना जो फंड है वो ला सकते हैं अपना वॉलेट एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं हम बैक जाएंगे हमने नो आई हैव क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे ठीक है आई हैव न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने आ गया एक ये एच डी वॉलेट एच डी वॉलेट का मतलब कि जितने भी सारे नेटवर्क हैं वो आपके एक ही जगह पे आपके स्टोर हो जाएंगे लेकिन इसके लिए आपको पहले अपना नेम देना पड़ेगा पासवर्ड देने पड़ेंगे ठीक है उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं हम मैं आपको कहूँगा कि आप एच डी वॉलेट करें ठीक है और ये जो चेन नेटवर्क है बाकी इन पे ना जाएँ ठीक है आप एच डी वॉलेट पर क्लिक करें यहाँ पे आप अप अपना नेम दें। जैसे मैं अपना दे देता हूँ एच एन ठीक है डबल वन ठीक है डबल वन देते हैं पासवर्ड आपने देना कोई सा बेहतर से मैं दे देता हूँ मैं ओपनली यूज़ कर रहा हूँ टू डबल वन ठीक है टू डबल वन और एट ठीक है हिंट आप जो मर्जी आप देना चाहें दे दे आप क्रिएटव वॉलेट पर क्लिक करें कह रहा है आपका मिनिमम जो आपका पासवर्ड है वो एट करैक्टर्स का होना चाहिए हमारा कितने करैक्टर्स का है सेवन तो हम यहाँ पे एट यूज़ कर लेते हैं फिर एट यूज़ कर लेते हैं ठीक है क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करेंगे अब वो बता रहा है डू नॉट टेक अ स्क्रीन शॉट कि आपने स्क्रीन शॉट नहीं लेना ठीक है इफ़ एनी वन गेट योर मेमोनिक फ्रेज ही शी कैन गेट योर एसेट ठीक है तो आपने आप वो कह रहे हैं कि आपने पेपर के अंदर अपने मेमोनिक फ्रेज़ लिख के रखना है स्क्रीन नहीं लेना अगर किसी के हाथ में लग गए तो आपका फ़ंड सारा चोरी हो जाएगा तो आई गोटिट पर क्लिक करना है तो ये देखें वे अब आप मेरे फ़ंड चोरी कर लेंगे कोई बात नहीं जैसे मैंने आपको इजाजत दी है ये देख लें मेरे में ममूनी फ्रेज ये ट्वेल्व वर्ड्स हैं ठीक है इनको अपने नोटबुक पे लिख के रख लेना आपने इस तरह से ये मैं ये स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ आपने बिल्कुल भी स्क्रीनशॉट नहीं लेना ठीक है नहीं तो अच्छी बात नहीं है आपने अपने नोटबुक पे साथ अपने नोटबुक खोल के रख लेनी वहाँ पे ऊपर हेडिंग लिखनी है टोकन पॉकेट नीचे लिखना है मेमोनिक फ्रेज और आपने ए, जो ये आपके ट्वेल्थ वर्ड्स हैं इनको वर्ड बाय वर्ड लाइन वाइज से पहले आएगा गैदर आएगा फिर वैन आएगा फिर फैन आएगा इस तरह ही लिख के रखना है ठीक है तो मैंने ये स्क्रीन ले लिया वैसे कंप्लीट बैकअप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं ठीक है अब ये आ गया अब भी हमसे लाइन वाइज पूछेगा तो मैं अब यहाँ पर लाइन वाइज पुट करता हूँ पहले तो सबसे पहले गैदर आएगा गैदर के बाद आएगा वैन इस तरह ही आपने करके सारे अपने अपने पूरे कर लेने हैं ये देखिए मैंने सारे लाइन वाइज पुट कर दिए हैं और कंफर्म पे क्लिक कर देना जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये सारे वॉलेट्स हैं इन सब का लॉग हो रहा है ठीक है लॉग ये अभी लोडिंग ले रहे हैं उसके बाद जैसे ही लोडिंग यहाँ पर टिक का निशान आ जाएगा तो आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना ये देखें टिक का निशान आ गया आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐसे स्क्रीन शो हो गया आई गॉट इट ठीक है अब ये देखें ये सारे वॉलेट जो है ना आपके सामने आ गए ये पहला बिटकॉइन का फिर थीडियम का फिर ई नेटवर्क का फिर ट्रॉन वॉलेट का फिर ट्रॉन नेटवर्क का ठीक मतलब है इस पर मतलब कि आप ये थीडियम है ना ये ई आर सी ट्वेंटी इस पर जितने भी ई आर सी ट्वेंटी क्वाइन है वो आप मंगा सकते हैं जैसे ई का फिर ट्रॉन टी आर सी ट्वेंटी आप मंगा सकते हैं जब एच का ठीक है एच ई सी ओ चेन का आप जितने भी मंगा सकते हैं ये बी एस सी बायनास मार्चिंग का कोई भी हो आप कॉइन मंगा सकते हैं इसमें क्या है इन्होंने अलग अलग आपको वॉलेट दे दिए हैं ठीक है लेकिन अगर आप ट्रस्ट वॉलेट पे देखें तो इस तरह नहीं होता ट्रस्ट वॉलेट पे सारी जगह एक ही कॉइन जो है वो सारी एक ही जगह पर आ जाते हैं मल्टीपल चेन वॉलेट में ठीक है तो वो इस तरह लोगों का जो फंड है वो लूज़ भी हो जाता है अगर मीठा मास की बात करें मीठा मास ने पहले आपको उनके ए, क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पुट करने पड़ेंगे उनके डेसिमल वगैरह तो फिर आएंगे तो इसमें ये चीज़ नहीं है इसमें आप इजी टू यूज़ है ठीक है देखिए बायना स्मार्ट चेन ये पलका डॉट ये कुसामा और ये ओके एक्स एक्सचेंज ठीक है ये आई ओ एस टी ये सिर्फ आपने आई ओ एस टी तक रहना है ठीक है ये देखें बिटकॉइन से लेके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये आई ओ एस टी यहाँ तक रहना ये इनका ही आपने बैकअप दोबारा से एक बार बना के रख लेना है ठीक है वो बताऊँगा कैसे वो मैन्यू फ्रेज आपने नहीं छोड़ने आपने अपने अपने नोटबुक पर लिख के रखने जो नीचे आ गया ना ये बायनास का पुराना है ये कैक्सा टेस्ट नेट टेस्ट नेट का मतलब ये होता है कि वो टेस्टिंग के लिए कोई ब्लॉक चेन अपनी ला रहे हो ठीक है ये बाकी ये इतनी काम की नहीं है ये इस कोसमोस की आप देख सकते हैं ठीक है बाकी आपने आई ओ एस टी तक रखना है आई ओ एस टी लाजमी ठीक है अभी हम चलते हैं अपना चहिता बी एस सी स्मार्ट चेन इस पर बी एस सी हमने सेलेक्ट किया इस, इस पर ऐसे क्लिक करते हैं एक बार ठीक है ये देखें इसका डिपोजिट एड्रेस कॉपी हो जाएगा ये इसका डिपॉजिट एड्रेस कॉपी हो गया अब आप जो मर्जी कॉइन या बी एस सी स्मार्ट चेन का इस पर हंगवा सकते हैं यह है बी एस सी बी ई पी ट्वेंटी बी एस सी नेटवर्क का कॉइन है ठीक है अब इस पर ऐसे क्लिक करें तो ये देखें आपके सामने इस तरह से स्क्रीन शो हो जाएगी ऊपर देखें बी एस सी ये बा एन बी शो हो गया आपके पास ठीक है यहाँ पे आपने कोई भी अपना कॉइन सर्च करना है सर्च कर लें अगर आपने कोई कॉइन ऐड करना है तो ये प्लस का निशान है ठीक है ये देखें ये प्लस का निशान इस प्लस के निशान पे आपने क्लिक करना है यहाँ पे आप कोई भी अपना जो बायनास मार्चेंट का कॉइन होगा वो आ जाएंगे आपको ये सारे जितने भी आपको शो कर रहे हैं ना ये बी एस सी के हैं ट्रस्ट वॉलेट में ऐसा नहीं होता वो आपको हर नेटवर्क का कॉइन शो करा देगा लेकिन ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर यू एस डी टी है बी एस सी के ठीक है डॉट है टी पी टी है और जितने भी कॉइन हैं ठीक है डब्ल्यू बी एन बी बेक हम केक हम केक पे प्लस पे क्लिक करेंगे ये प्लस पे आपने ऐसे क्लिक करना है और आपका और ये बी यू एस जी ऐसे हम प्लस पे क्लिक करेंगे आपका कॉइन जो ऐड हो जाएगा कैंसिल पे क्लिक करेंगे बी यू एस जी हमारा ऐड हो गया ठीक है अब आपने कोई भी फ़ंड मंगाना हो वो क्या है अपने ये रसीव पे जाना है रसीद पे जाने के बाद ये एड्रेस है कॉपी इस पर जितने भी बी एस सी का अपने एड्रेस है वो अपने कॉइन है वो मंगा लेना है ठीक है और उसके बाद अगर हम और अगर आपने अपने विड्रॉल करने फ़ंड तो यहाँ ट्रांसफर पे आएँ ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद ये ट्रांसफ़र पे जाएँ ऊपर ठीक है तो अब यहाँ पे देख लिया आपने कौन सा कॉइन्स सेलेक्ट करना है ठीक है जैसे ये बी एन बी बी यू एस जी मैंने बी एन बी लिखा यहाँ पर आपने वो एड्रेस देना बाइनांस नास कॉपी करके मुझे पता अपने लोगों ने बायानस पर ही ट्रांसफ़र करने बड़े श्यार वैसे तो यहाँ पर वो एड्रेस पेश करना है ठीक है आपका बैलेंस आ जाएगा आपके ये देखें ये फीस हुई है कि जीरो पॉइंट ट्रिपल ज़ीरो टू फीस लगेगी इधर और जीरो पॉइंट ट्रिपल ज़ीरो टू एट ठीक है ये आपका मीडियम है ये फास्ट है तो आप देखेंगे कस्टमाइज से करके भी आप कर सकते हैं कस्टमाइज़ पे फाइव पे ही रहने ना थ्री सेकंड के अंदर आपकी ट्रांजेक्शन डन हो जाएगी और कन्फर्म पे क्लिक कर देना आपका हो जाएगा ठीक है फिर ये मार्केट पर आए ठीक है अगर आप मार्केट में आए तो ये देखें आपके सामने ये मार्केट्स चल रही हैं कुछ ठीक है टी आर एफ यू एस जी टी जो स्वैप देखें जो स्वैप ऐप आपको ये सारे स्वैप्स के मिल जाएंगे यहीं पे ठीक है ये देखें जोल्स बी एस सी स्मार्ट चेन पर नेटवर्क है और जो जो जूनिस्वेप है वो थी का है ठीक है ये आपको मिल जाएगा अगर आप तो ये आप देख सकते हैं लिक्विडिटी भी आप वही जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं गेनर जो टॉप गेनर होते हैं वो हुए कितना ऊपर गया ये कॉइन ये चेक करें ज़रा माशाल्लाह न्यू एस के कोई कॉइन न्यूली हुआ है ये देखें जो स्वैप जस्ट स्वैप वो आपको इजीली इस पर आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है फिर आप डिस्कवर पे जाएं तो ये आपके सामने डैप ब्राउज़र आ गया यहाँ पर आपने ऊपर सर्च पे लिख करना है पैनकेक पैनकेक पैन केक आ गया ठीक है आपने पैन केक स्वैप पर क्लिक करना है यू विल बी रिडेटेड टू द थर्ड पार्टी क्योंकि पैन केक स्वैप एक थर्ड पार्टी ऐप है पे तो आई गोटेड पर क्लिक करना आपने तो ये देखें आपको पैनकेक स्वैप के अंदर ले जाएगा ठीक है ये देख ये पैनकेक स्वैप और यहाँ पे आपने जो भी अपने यूनी स्वैप जस्ट लिक्विड स्वैप और जो भी स्वैप यूज़ करना वो कर लें ये न्यूज़ पे अगर हम आएँ तो नीचे ये न्यूज़ आ रही हैं ये देखें ठीक है और मी पे अगर जाए तो ये हमारे पे एसिड का ओवरव्यू आ रहा है कि कितने एसिड पड़े हैं किस किस नेटवर्क पर पड़े हैं मैनेज वॉलेट्स का आ गया ठीक है कि वॉलेट्स को मैनेज कर लें आप ठीक है और रिकॉर्ड्स आ गए आपके जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होगी फिर एड बुक एड्रेस आ गया बाकी नीचे सेटिंग पे जाएँ तो आपके लैंग्वेजेस आ गए ठीक है अनेबल वॉड तो एक अब आपने क्या करना है आपने ये देखें जैसे ये बिटकॉइन थीरियम है ना आपने एक तो आपने मेमोरी फ्रेज अपने पास स्टोर करके रखा है उसके बाद आपने क्या करना है ये डिटेल पे जाना है डिटेल पे जाने के बाद ये देखें एक्सपोर्ट की स्टोर फाइल है और वाइट लिस्ट आपने एक्सपोर्ट प्राइवेट की इस पर ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना पासवर्ड देना है ठीक है पासवर्ड देंगे तो ये देखें आपके सामने ये प्राइवेट की दे देगा आपने जो मैंने आपको दस वॉलेट्स की कहा ना उसकी ये जो प्राइवेट की है ये भी आपने कॉपी कर लेनी है ठीक है लिख के रख लेनी है अपनी नोटबुक पे ठीक है आपके लिए इजी रहेगा ठीक है ये देखें इजी रहेगा आपके लिए और अगर आपने अपना पहले से आपका कोई बी एस स्मार्ट चेन का नेटवर्क है आपका पास ठीक है तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके उस वॉलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर यानी कि आपने मीठा मास के अंदर जो बनाया हुआ है ना अपना उस मीठा मास के जो मेमोनिक फ्रेज थे वो इंपोर्ट वॉलेट पे आएँ इंपोर्ट वॉलेट पे आके आपने मेमोनिक इंपोर्ट पे जाना है तो वहाँ पे जो ट्वेल्व वर्ड्स ट्वेंटी फोर वर्स थे वो कॉपी करके यहाँ पर पे पेश कर देने हैं तो आपका जो सारा क्या कहते हैं डाटा है वो यहाँ पर आ जाएगा ये स्वैप पर क्लिक करेंगे और आपका स्वैप भी हो सकता है देखिए बी एन बी टू यू एस जी टी ई आर सी ट्वेंटी पर भी जा सकते हैं ठीक है ये देखें बी एन बी कोई भी नेटवर्क आपका कॉइन हो यहाँ पर वो आपका किसी भी नेटवर्क के कॉइन के साथ आप स्वैप भी कर सकते हैं ये देखें इंस्टेंट स्वैप तो ये चीज़ बहुत अच्छी है तो आप लाजमी से इसको देख लीजिएगा यह वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे हम ऊपर तो ये देखें आपके वॉलेट्स आ जाएंगे दोबारा से हो ये थी आज की वीडियो हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को आगे दूसरे साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो को आगे दूसरों से शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़